मशीन में फंसा के हल्का सा पुश कर दो, निकल जाएगा। ये देखो, ये आपका पत्थर में नीचे के साइड लगाना है, ऊपर साइड नहीं लगाना है। दोस्तों नमस्कार, मैं सोहन आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में चैनसा चैन को काटना बताएंगे कि चैनसा चैन को कैसे छोटे किया जाता है, क्योंकि नई चैन जो होती है वो 2 से 4 घंटा कटिंग करने के बाद आपकी चैन लंबी हो जाती है, बार से बाहर उतरने लगती है, तो उसको छोटी करना पड़ता है। तो छोटी करने के लिए आपको कैसे करना है और कहाँ से चैन को आपको कटिंग करना होता है, कौन सा चैन का लॉक होता है, क्योंकि कई जो मैकेनिक होते हैं, बहुत सारे मैकेनिक को देखे हैं जो कि चैन गलत जोड़ते हैं। जैसे ये आप चैन देख पा रहे होंगे, ये नई चैन, इसमें लॉक आता है, हर चैन में लॉक दिया रहता है, जो नई चैन होगी उसमें लॉक रहता है, और वो जो मैकेनिक होते हैं वो लॉक से नहीं काटते हैं, आपकी चैन दूसरी जगह से काट देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जो इसके दांत हैं ये अपोजिट हैं, सारे दांत जो हैं अपोजिट हैं, बट एक जगह ऐसा होगा जहाँ पे दो दांत सेम जगह पे होंगे, सेम साइड पे होंगे और सारे दांत अपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो आपको दिखाते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे दोनों दांत सेम साइड पे हैं, और आगे आप देख पा रहे होंगे ये सारे जो दांत आगे के हैं ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो आपको यहीं से काटना होता है चैन को जहाँ पे दो दांत सेम साइड में हों। तो कुछ लोग होते हैं जो कि ये ग्राइंडर से नहीं काटते हैं, ये ग्राइंडर रहता है जो चैनसा शार्पनर इसको बोलते हैं, ये ग्राइंडर रहता है, बट वो पाइप कटर से काटते हैं। जो पाइप कटर या सरिया काटने की जो ग्राइंडर आता है उससे चैन के लॉक को काटते हैं। उससे आपको खतरा रहता है आपको चोट लगने का, क्योंकि उसमें झटका देती है, आपका मशीन बंधा हुआ है उसमें रहता है पत्थर जो होता है उसका पतला होता है, तो वो उसमें टाइम भी लगता है और टूटने का भी डर रहता है कि आपको जो पत्थर होता है वो टूट के कहीं लग ना जाए। तो आप कभी भी जब भी चैन काटे तो इसी से काट लिया करें, कोई दिक्कत नहीं होती। लोग कहते हैं इसका पत्थर खराब हो जाता है, बट पत्थर नहीं खराब होता है। इसको काटने का तरीका आपको बताते हैं। ये आप लॉक देख पा रहे होंगे, इन्हीं लॉक में से जैसे एक लॉक आपको निकालना है तो इसमें पीछे वाला निकालना है, तो इसका आपको काटने का जो तरीका है वो एक लॉक यहाँ से और एक लॉक ये दोनों लॉक आपको, ये जो आप नक के देख पा रहे होंगे इसके, एक मिनट, ये जो नक्के लगे होते हैं ये इनको आपको काट देना है, ये इनको काटना है और ये वाला लॉक, ये दोनों लॉक काट देना है, उसके बाद इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद ये दांत आपका निकल जाएगा, इसको आपको बाहर कर देना है और फिर से जोड़ देना है। चलिए दिखाते हैं आपको कटिंग करके। तो इसके लिए मैं दूसरा चैन लाया हूँ, पुराना है, आपको दिखाने के लिए। तो इसका जो दांत है मैं निकालता हूँ, आप एक दांत ये और एक ये, तो ऐसे निकालना है, पत्थर में नीचे के साइड लगाना है, ऊपर साइड नहीं लगाना है, पत्थर आपका खराब नहीं होगा। बस कुछ ही सेकेंड में आपका काम हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे कुछ टाइम नहीं लगा, कुछ ज़्यादा टाइम लगा, बस 20 से 25 सेकेंड लगे होंगे दोनों लॉक दांत को काटने में। ये दो लॉक जो लगे हुए हैं 20 सेकेंड लगे होंगे काटने में। तो इसको आप देख पा रहे होंगे ये दोनों कट चुके हैं, अब इनको तोड़ना है, बस ऐसे पुश कर लेना है, ये आपका दांत निकल गया। और ये जो बचा है इसको भी आपको कपड़ा लगा के दिखाते हैं, क्योंकि गर्म होगा अभी कटा है तुरंत, इसको भी आपको ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तो इसमें जो मशीन होता है मशीन में फंसा के हल्का सा पुश कर दो, निकल जाएगा। ये देखो, ये आपका चैन कट गया है, ये आप देख पा रहे होंगे ये कट गया है। तो इसका जो लॉक निकला है वो भी आपको दिखा देते हैं, कितना बड़ा लॉक निकालना चाहिए। ये इसका लॉक निकला हुआ है,
एक दांत निकलता है। अगर आप दो दांत निकाल देंगे तो आपका जो चैन है वो भी बार में चढ़ेगा नहीं, इसलिए एक दांत निकालें, उससे ज़्यादा ना निकालें, कितना भी फुल हो जाए। कई लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि चैन बहुत लंबा हो गया, दो दांत निकाल दो। बट दो दांत निकाल देंगे अगर, तो चैन बार में चढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि बार से जब बार में चैन फुल हो जाएगी तभी आपको कटवाना है, उसके पहले कटवा ही नहीं सकते, कटवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और काटना भी नहीं। अगर काट देंगे तो बार में चढ़ेगा नहीं चैन। तो आपको जोड़ के भी दिखाते हैं इसको कैसे जोड़ते हैं। जो चैन लॉक आता है वो तो नई चैन के साथ एक चैन लॉक कंपनी की तरफ से आता है, तो इसी को आपको लगा के दिखाते हैं। चैन को जोड़ने से पहले चैन को सीधा कर लें। अगर चैन आपकी आउट उल्टा है या इसमें ये अरबी चढ़ी हुई है, ऐसे ऐसे अगर आप जोड़ देंगे तो फिर आपको काटना पड़ेगा दोबारा से, इसलिए इसको छुड़ा के चैन को सही कर लेना है। चैन को सही करने के बाद चैन को रख लेना सही से, इसको नीचे कोई ठोस जगह में रखना है, और ठोस जगह में रखने के बाद लॉक को लगा देना है। आप देख पा रहे हैं लॉक जो है, ये लॉक आते हैं इसका, तो इसको आपको नीचे रख देना है। नीचे रखने के बाद ऊपर से इसका जो पत्ती होता है इसको आपको रख देना है, और रखने के बाद ऊपर से इसको जो इसके नक्के होते हैं इनको पीट देना है, टेढ़ा कर देना है, जो भी आप बोलते हो इसको। जो नक्के आप देख पा लेंगे, ये नक्के दोनों इनको थड़ देना है, हथौड़ी से या छेनी से कुछ भी हो उससे आपको थड़ देना है। आप देख पा रहे होंगे ये बैठ गया, और इसको आप जब लॉक लगाएं तो उसके बाद ऐसे मुंह करके देख लें चैन को, मुंह करना चाहिए। अगर ये दोनों आप जैसे जोड़े, जोड़ने के बाद मुंह नहीं कर रहा है, तो आप इसको दोबारा से इसको चला लें, या लॉक अगर ज़्यादा टाइट हो गया तो दूसरा लॉक लगा लें, क्योंकि इससे आपका बार फाड़ देगा ये। अगर ये लॉक अगर चिपक जाएगा इसमें, ये मुंह नहीं करेगा आपका, तो आपका जो बार है, बार की जो आगे की बैरिंग होती है, फ्रंट साइड की जो बैरिंग होती है, उसको जाके फाड़ देगा ये, क्योंकि वहाँ पे मुंह नहीं करेगा और जाके तागल लेगा तो बैरिंग फट जाएगी। इसलिए इसको दोनों को चला के देख ले। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।